दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे आप सभी को देखने को मिलते हैं कपल जो कि एक साथ काम करते करते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इन्हें जहां रियल कपल के तौर पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है तो वही पसंद किया जाता है रियल कपल के तौर पर भी। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, जानने को मिला है कि एक साथ प्यार करते करते जहां ये इश्क में पड़ जाते हैं तो वही इश्क में पड़ने के बाद जब इन्हें इस बात का एहसास होता है कि रिश्ते को तो आगे भी बढ़ाना होगा तो अपने पार्टनर को ये दे देते हैं धोखा। और आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने पार्टनर को धोखा देकर खूब कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए सामने आए। चलिए जानते हैं कौन है ये कपल। इस लिस्ट में पहला नाम आता है दीपिका कक्कड़ का। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ जिन्हें आप देख पा रहे हैं स्टार प्लस के शो कहाँ हम कहाँ तुम में। इन्होंने अपने सीरियल की शुरुआत की थी ससुराल सिमरका से, जिन्हें ने ज्यादा पहचान उसी सीरियल से हासिल हो पाई। जब ये शो को कर रही थी तब वो उस वक्त शादी शुदा थी। इन्होंने शादी की थी रौनक सैमसंग से जो कि इनके साथ एक फ्लाइट अटेंडेंट रह चुके हैं और इनके लव अफेयर की शुरुआत वहीं से हुई थी। शादी करने के बाद अपनी जिंदगी में खुशहाल जिंदगी नहीं जब बिता पाई दीपिका कक्कड़ तो उन्होंने शादी को तोड़ने का ही फैसला लिया। लेकिन इसके पीछे की वजह ये कही जाती है कि अपने को स्टार शोएब इब्राहिम के साथ प्यार में पड़ चुकी थी दीपिका कक्कड़, जिस वजह से उन्होंने अपने पति से डाइवोर्स लिया और धोखेबाज ये बन गई अदाकारा। दूसरे नाम आता है यहाँ पर अविनाश सचदेव का। अविनाश सचदेव आप सभी को छोटी बहू में नजर आ चुके हैं, अपनी ही कोस्टार रुबीना दिलाय के प्यार में पड़ गए थे। सगाई की भी बात सामने आ चुकी थी इन दोनों की लेकिन शादी नहीं हो पाई और इन्होंने फिर उसके बाद शादी कर ली शालमली देसाई के साथ। इन दोनों की शादी 2 साल ही टिक पाई, साल 2015 से लेकर साल 2017 तक। लेकिन डिवोर्स के बाद यहां पर सुर्खियों में आने लगे कुछ ज्यादा ही अविनाश सचदेव की, वो धोखेबाज है। लेकिन आज वो डेट कर रही हैं पलक पुरस्वानी को जो कि उनके साथ नजर आ रही हैं नच बलिए सीजन 9 में। आता है अब इस लिस्ट में तीसरा नाम सामने करण सिंह ग्रोवर का, जिन्होंने धोखा दिया है अपनी 2 पत्नियों को। पहले उन्होंने शादी की श्रद्धा निगम के साथ, जिस बीच उन्हें प्यार हो गया जेनिफर विंगेट से। जेनिफर विंगेट के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए शादी करने के लिए धोखा दे दिया अपनी पहली पत्नी श्रद्धा निगम को। लेकिन यहाँ जेनिफर से भी शादी के 2 साल बाद उनके साथ उनका रिश्ता टूट गया, जिसके पीछे की वजह माना जाता है बिपाशा बसु को जो आज करण सिंह ग्रोवर की तीसरी पत्नी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए चौथा नाम सामने आता है अब श्रुति झा का। श्रुति झा डेट कर चुकी है हर्षद चोपड़ा को। जी हाँ, हर्षद चोपड़ा जो कि टीवी इंडस्ट्री का काफी बड़ा नाम रह चुके हैं, इन्हें आखिरी बार देखा गया था शो बेपनाह प्यार में और इनका ये रिश्ता काफी ज्यादा रहा है फेमस। लेकिन यहाँ इस वजह से भी रहा कि श्रुति ने हर्षद को दे दिया धोखा कुणाल करण कपूर के लिए। कुणाल कपूर के लिए आ चुके हैं काफी ज्यादा इनके नाम सामने शादी करने को लेकर, लेकिन इनकी शादी बहुत सालों से टलती जा रही है, जहां कहां अब ये जा रहा है कि दोनों का रिश्ता तो अब बिगड़ चुका है और दे चुकी है धोखा अब श्रुति झा कुणाल करण कपूर को भी। आखिरी नाम आता है इस लिस्ट में अंकित गेरा का। अंकित गेरा यहाँ रिश्ते में बंधे थे रूपल त्यागी के साथ, अपनी ही को स्टार के साथ। लेकिन यहाँ ये निकले इस रिश्ते में धोखेबाज, क्योंकि इन्होंने एक ही वक्त पर 2 लड़कियों को किया था डेट और रूपल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, जाना आप सभी ने हमारी इस रिपोर्ट में कि ये एक्टर जो कि अपनी एक्टिंग से काफी ज्यादा छाए रहे हैं वो कि असल में रहे हैं धोखेबाज और अपने पार्टनर्स को जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहे हैं उनको ये धोखा देते हुए सामने आए। तो वही इस लिस्ट में ये महिलाएं यानी कि फीमेल एक्ट्रेसेस भी कुछ कम नहीं रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।